11 रूटों पर यहाँ नगर निगम और प्रशासन के द्वारा ई रिक्शे बंद कर दिए गए हैं। किस तरीके की समस्या आ रही है सर? बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी बेरोजगारी के लिए। अरे हम लोग का खर्चा हो जाए वाले जीने नहीं देते यहाँ पर, तुरंत गाड़ी हटवा देते हैं। नहीं नहीं ये बात नहीं, अपने समझ से सर दिक्कत आ जाएगी, परेशानी खड़ी हो जाएगी। और क्या है क्या सर? 11 रूटों पर रिक्शे बंद हो गए, आप लोगों को समस्या आए की सरकार कोई मांग है? हाँ सर, गाड़ियाँ बंद नहीं होनी चाहिए सर, मांग आप लोग बताओगे तभी तो जाए इधर। वैसे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो यहाँ अतिक्रमण के चलते आम जनमानस का जीना मुहाल है, लेकिन वहीं ई रिक्शा जो चालक हैं इनकी भी समस्याएं हैं। क्योंकि कल प्रशासन के द्वारा 11 रूटों पर ई रिक्शा पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है और उन रूटों पर ई रिक्शे नहीं चल पाएंगे। इसके चलते ई रिक्शा चालकों को किस तरीके की समस्याएँ आएंगी, इन लोगों से बात करते हैं। क्या समस्याएँ हैं आपकी? समस्या ये है, अब 50 साल की उम्र हो गई है, अब कोई काम दूसरा कर नहीं सकते, इसी में जो 400 रुपये 500 रुपये पैदा कर लेते हैं तो घर की रोटी चल जाती है। अब ये गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, ये बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा सरकार से क्या मांग है आप लोग? सरकार से ये मांग है कोई हम लोगों को कोई रोड दे दिया जाए, कम से कम बीवी बच्चे रोटी खा सकें। आजकल जो है घर का खर्चा उठाना बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है? मेरा नाम है साबिर। इनका कहना है इस महंगाई के दौर में या लोग जैसे तैसे अपने परिवार पाल रहे हैं, लेकिन सरकार का ये जो नियम आया है 11 रूटों पर लगातार ई रिक्शे बंद किए गए, इससे इन लोगों के सामने रोजी रोटी का भी संकट आएगा। क्या समस्याएं हैं आप लोग की? भाई हम लोग परेशान हैं, ऑटो नहीं चल पाएंगे, रिक्शा चल नहीं पा रहा है, कमाई होंगे नहीं, 3 बच्चे हैं कहाँ से पालेंगे उनको। अच्छा सरकार से क्या मांग? भाई अगर रिक्शा कोई जुगाड़ कर दे, हम लोग कमाने से मकान में रहते हैं, किराए मकान है, खुद का मकान भी नहीं मिल रहा है, 3,500 किराए कहाँ देंगे? मकान है हमारा, हम किराए पर रहते हैं, 300 रुपये महीना उसका किराया देते हैं। अब ये बताइए अगर ये गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, रोड जो बंद कर दिए हैं, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इन लोग का कहना है वैसे भी आमदनी कम थी और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है यहाँ प्रशासन के द्वारा कई रूटों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते इन लोग के सामने भुखमरी की समस्या आ रही है। ये लोग सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि इसको इस पर कोई सही सा निर्णय लिया जाए जिससे कि इनकी रोजी रोटी प्रभावित न हो। 11 रूटों पर ई रिक्शे बंद कर दिए गए हैं, किस तरीके की समस्याएँ आएंगी भैया? भुखमरी मरेगी, गरीब आदमी फिर से गरीब हो जाएगा, रोड पे आ जाएगा। सरकार तो अपनी अफवाह कर रही है, हम लोग तो वैसे गरीब आदमी, हम लोग तो मरेंगे। सरकार अमीर अमीर होता जा रहा, गरीब गरीब होता जा रहा है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग यही है कि जिस तरह हम लोग की गाड़ियाँ चल रही उसी तरह चलती रहनी चाहिए, तभी आगे उनको वोट मिलेगा, वरना आगे वोट के लिए वो तरस जाएंगे। क्योंकि जितना आम आदमी सरकार को सपोर्ट करती है उतना बड़ा आदमी सपोर्ट नहीं करता। क्या नाम है आपका? रवि। ये ई रिक्शा वालों का भी दर्द है, इनका कहना है कि अगर सरकार सही तरीके से काम कर ले और सही तरीके से इन लोग के रूट निर्धारित कर दे तो ये समस्याएं स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन कहीं स्थानीय बात करें तो नगर निगम और जो यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था है उसकी भी लापरवाही है, जिसके चलते आम जनजीवन जो है वो तो अस्त व्यस्त होता ही है, आम आदमी परेशान होता ही है। लेकिन कहीं बेरोजगारी की मार झेल रहे इन ई रिक्शा चालकों की भी समस्याएं हैं, उनको भी सरकार को सुनकर निदान करना चाहिए।